नमस्कार, आप सभी का फिल्मी वृतांत पर स्वागत है। मोहम्मद रफ़ी साहब गायकी के सरताज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वह बतौर अभिनेता भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में उन फिल्मों के बारे में बताएंगे और उन दुर्लभ दृश्यों को भी दिखाएंगे जिसमें रफ़ी साहब ने अपने अभिनय का जलवा बिखेरा था। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन से दबाएं और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चौधरी जिया इमाम की किताब पैगंबर मौसिकी में लिखा है कि शुरू शुरू में रफ़ी साहब को अभिनय का भी चस्का लग गया था और उन्होंने फिल्मों में गाना गाने के साथ साथ अभिनय भी किया था। सबसे पहले रफ़ी साहब ने साल 1945 में आई लैला मजनू फिल्म के एक गीत में अभिनय किया था। इस फिल्म में संगीत दिया था गोविंद राम ने और गाने के बोल लिखे थे तनवीर नकवी ने। गीत को गाया था मोहम्मद रफ़ी, खान मस्ताना, एसपी बातिस, जोहरा बाई ने। गीत के बोल थे तेरा जलवा जिसने देखा वह दीवाना हो गया। इस गीत में मोहम्मद रफ़ी साहब अलग अंदाज में पर्दे पर नजर आए थे। अगर होते मेरी आँखों के पर्दे उनके महमिल में ये पर्दा भी जाता और कोई देख ना पाता। हाँ, ये पर्दा भी उठ जाता और कोई देख ना पाता। किस्मत नजर ने देखा, किस्मत नजर ने देखा। हाँ, किस्मत नजर ने देखा मैं मस्ताना हो गया, मस्ताना हो गया मैं बेगाना हो गया। हाँ, मस्ताना हो गया मैं बेगाना हो गया। तेरा जलवा जितने देखा, तेरा जलवा जितने देखा। हाँ, तेरा जलवा जितने देखा वो दीवाना हो गया। दूसरी और अंतिम बार रफ़ी साहब साल 1947 में आई जुगनू फिल्म में दिखाई दिए थे जिसे निर्देशित किया था शौकत हुसैन रिजवी ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में दिलीप कुमार नजर आए थे। फिरोज निजामी के संगीत निर्देशन में रफ़ी साहब ने अजहर सरहदी के द्वारा लिखा गया गीत वो अपनी याद दिलाने को, इक्स की दुनिया छोड़ गए, जल्दी में लिपस्टिक भूल गए, रुमाल पुराना छोड़ गए गीत को गाया था और अभिनय भी किया था। वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए, आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगाते थे चक्कर, दिन रात लगाते थे चक्कर। हालांकि अभिनय रफ़ी साहब को रास नहीं आया और उन्होंने अपना सारा ध्यान गायकी के तरफ केंद्रित कर लिया था। संगीतकार नौशाद ने भी मोहम्मद रफ़ी को सलाह दी थी कि आपका काम अदाकारी नहीं है, आपको ऊपर वाले ने निहायत ही उम्दा किस्म का गला दिया है, इसलिए अगर आप अपनी गायकी पर ही तवज्जो दें तो आप और आपके करियर दोनों के लिए फायदेमंद होगा। दिलीप कुमार को ऊपर वाले ने अदाकारी का फन दिया है और वे चाह कर भी आपकी तरह गा नहीं सकते, वैसे ही आप भी उस तरह की अदाकारी नहीं कर सकते, इसलिए जिसका जो काम है वही करें तो अच्छा है। नौशाद साहब की सलाह को रफ़ी साहब ने समझा और अदाकारी से किनारा कर लिया था। अगर रफ़ी साहब के द्वारा अभिनीत दोनों गीतों को पूरा देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख सकते हैं। मित्रों, क्या रफ़ी साहब को और अधिक अभिनय करना चाहिए था या उन्होंने अभिनय से किनारा करके ठीक किया था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।